आप देख रहे हैं दखल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। और दखल न्यूज में आज खास कार्यक्रम डॉक्टर दखल में आपका स्वागत है। डॉक्टर दखल में आज मेरे साथ डॉक्टर अभिजीत हैं। कहते हैं कि जब एक आर्किटेक्ट अपनी बिल्डिंग का नक्शा बनाता है तो सबसे ज्यादा फोकस करता है फ्रंट एलिवेशन पे। जी हाँ, कुदरत आपको एक शक्ल एक सूरत लेकर जरूर धरती पर भेज देती है, लेकिन उसमें जो कमी और पेशी रह जाती है वो कुछ डॉक्टर्स ऐसी डेंटिंग पेंटिंग करते हैं कि आप खुद को आईने में देखकर नहीं पहचान पाते कि आप वो थे जो अब बिल्कुल अलग दिखने लगे हैं। मेरे साथ डॉक्टर अभिजीत हैं। डॉक्टर अभिजीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि यही पेशा क्यों, आप डॉक्टर हैं, आप हड्डी के या दिल के या दिमाग के किसी के भी डॉक्टर बन सकते थे। नहीं, दांतों के स्पेशलाइजेशन भी दांतों में एक अपनी ही अलग पहचान रखती है। जैसे कि हर दिल का डॉक्टर दिल का होता है या हड्डी का डॉक्टर हड्डी का होता है, उसी तरह दांतों वाला डॉक्टर दांतों का ही होता है। दिल वाला अपना दांत का इलाज खुद नहीं कर सकता, उसे दांत वाले डॉक्टर के पास आना ही पड़ेगा। बचपन से मेरे लिए एक था कि समाज में जो हर कोई डेंटिस्ट बनना नहीं चाहता, बट मुझे डेंटिस्ट्री के प्रति लगाव इतना ज़्यादा बढ़ रहा था कि हर कोई इसे इग्नोर क्यों कर रहा है, जबकि सबके पास समस्याएं हैं, जैसे महिला, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग जो खाना नहीं खा पा रहे। पर दांतों के प्रति सबकी लापरवाही देखते हुए मुझे लग रहा था कि समाज पूरी तरीके से जागरूक नहीं है, जो आज भी नहीं है। लोग लापरवाही बरतते हैं, अगर दर्द है तो दाते हैं डॉक्टर के पास, नहीं तो वो घर में ही अपने नुस्खे आजमाते हैं। तो ये समस्याएं देखते हुए मुझे लग रहा था कि इस फील्ड को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहिए, इसलिए मैं इस फील्ड में। बिल्कुल, मैं डॉक्टर अभिजीत के बारे में आप दर्शकों को एक बात बताना चाहूंगी। डॉक्टर अभिजीत दांतों के डॉक्टर तो बहुत अच्छे हैं ही, साथ में स्किन पर भी इनका बहुत अच्छा हाथ है, और स्किन की कैसी भी और कोई भी समस्या हो डॉक्टर अभिजीत उसको मिनटों में उसका सॉल्यूशन बता देते हैं। डॉक्टर अभिजीत बालों पर भी काम करते हैं। डॉक्टर अभिजीत, मैं ये एक चीज आपसे पूछूंगी कि लड़कियों की खासतौर पर समस्या होती है जो अब सामने में आती है कि सांवले हैं गोरे कैसे हो जाए। गोरा होना एक परसेप्शन बन चुका है अपने इंडिया में, जो कि बहुत बड़ी एक बीमारी के रूप में आगे आ रहा है, क्योंकि हर आदमी इंसान गोरा होना ही एक सफलता या फिर उसको एक मापदंड नहीं दिया जा सकता कि इंसान सुंदर है या नहीं है। सुंदरता के लिए एक अच्छी स्किन, हेल्दी स्किन होना ज़रूरी होता है। कलर इफेक्टिव नहीं होता है, बट लोग कलर की तरफ भागते हैं, जो कि इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि अंदर जो बॉडी के अंदर मेलानिन की मात्रा पाई जाती है वो हर किसी को कुदरती रूप से मिलती है, तो जो नेचुरल है उसे ही संवार के रखें। अभी के समय में मैंने ये देखा है कि लड़कों में ये चाम बहुत ज्यादा आ गया। लड़कियां तो ठीक हैं, लड़कियां चाहती हैं कि वो गोरी दिखे, लेकिन लड़कों में ये कुछ ज्यादा आ गया है कि गोरे दिखें, स्मार्ट दिखें, हैंडसम लगें। कितने आपके पास पेशेंट ऐसे आते हैं? सेल्फी का जमाना आ चुका है, हर कोई अपनी फोटोग्राफी फेस बनाना चाहता है, और जब सेल्फी में एडिटिंग के साथ फोटो बनाता है और डालता है, और फिर वास्तविक जीवन से जब वो मुलाकात करता है किसी इंसान से, तो वो चाहता है कि मैं वैसा ही दिखूं जैसा मैं फोटो में दिखता था। तो ये तो मेंटेलिटी बढ़ती जा रही है। लड़के भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए, इवन ओल्ड एज पेशेंट भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है अपनी एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स के लिए, जिसका ट्रीटमेंट हम करते हैं। अभिजीत, अभी जैसा कि देख रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और सन टैनिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो सन टैनिंग के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं, घरेलू क्या नुस्खे अपनाने को बोलते हैं अपने पेशेंट? घरेलू नुस्खे सबसे बेहतरीन है, आप पानी पीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करिए। दूसरा, तौलिया या कपड़ा या कोई हेलमेट बांध के चलिए, या किसी अपने कार या जो भी छांवदार व्हीकल है उससे इस्तेमाल करें, ज़्यादा धूप में नहीं जाएं। सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें, एक लिमिटेड और एक अच्छी सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें, अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली जो आपके डॉक्टर्स बताएंगे उसका इस्तेमाल करें, और बस लगाइए और चलिए। अभिजीत, घरेलू उपाय तो आपको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि महिलाएं घर में रहती हूँ वो ज्यादातर, मुझे ऐसा लगता है कि अपने किचन में और अपने घर में ही इतनी चीजें होती हैं कि आप उन्हीं से ही अपने आप को केयर कर सकते हैं। घरेलू नुस्खों में तो बहुत सारी चीजें आएंगी, प्रॉपर तरीके से अगर हम जानते जाएंगे तो फिर ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, अभिजीत अभी बताने से बच रहे हैं, कारण मैं आपको बता दूं कि अभिजीत का एक कार्यक्रम हमारे दखल न्यूज पे दखल डॉक्टर के नाम से शुरू होने जा रहा है। दखल डॉक्टर में अभिजीत हमारे साथ रहेंगे और आप उनसे अपनी समस्याओं के निदान के लिए फोन पर भी बात कर सकते हैं, हमें SMS भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अभिजीत हर शनिवार इतवार आपकी प्रॉब्लम यहाँ बैठकर सॉल्व करेंगे। अभिजीत, दांतों की परेशानी ज्यादा आती है आजकल, दांतों पे कॉस्मेटिक का बड़ा चलन चल गया है, वो क्या है?
कॉस्मेटिक इज जस्ट लाइक कि किसी चीज़ की जो सुंदरता नहीं है जिस चीज़ में, जैसे ऑर्थो ट्रीटमेंट होता है किसी टेढ़े मेढ़े दांतों का ट्रीटमेंट है, या फिर किसी के दांत बहुत छोटे हो गए हैं, या किसी का एब्रेजन एट्रीजन हो रहा है, घिस रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको सुंदरता एक लाना है कि स्माइलिंग टीथ, प्रीमोलर टू प्रीमोलर हैप्पी स्माइल देना, तो उसकी तरफ कॉस्मेटिक होता है, जिसको मतलब एक लेबल में ला के बहुत अच्छे तरीके से एक मोतियों जैसे दांत बनाए जा सकें, बस यही है कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट। और फिर अभिजीत, हाँ कॉस्मेटिक में और हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे डेंटल ज्वेलरीज भी आती हैं, डायमंड्स आते हैं टीथ में, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अभिजीत, आपके पास पेशेंट्स बहुत सारे रहते जी हैं, तो उसमें आप हम कंपैरिजन करें तो दांत की प्रॉब्लम हो या स्किन की प्रॉब्लम हो या हेयर्स की प्रॉब्लम हो, तो फीमेल कस्टमर्स की लिस्ट ज़्यादा लंबी है या मेल कस्टमर की फीमेल्स लिस्ट? की ज़्यादा, ओके ऑब्वियस सी बात है। हमने ये पता किया है कि आपकी क्लिनिक पर थर्ड जनरेशन के लोग भी बहुतायत में आते हैं, बहुत तो उनकी क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं और वो क्या आपसे एक्सेप्ट करते हैं जो आप उनकी लाइन आपकी क्लिनिक पे लगी हुई है? वो अपने आप को समाज में एक ससेप्टेबल बनाने के लिए, अपने आप को उसमें ढालने के लिए, वो अपने आप को मेनली थर्ड जेंडर की जगह वो फीमेल जेंडर ही समझते हैं, तो वो अपने आप को उस खूबसूरती के लेवल तक ले जाना चाहते हैं, जैसे परमानेंट हेयर रिमूवल हुआ या वाइटनिंग हुई या कुछ भी एक्ने ट्रीटमेंट हुए, वो अपने आप को एक मेल से फीमेल में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा आतुर रहते हैं, तो उस हिसाब से वो अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। थर्ड जेंडर ऑल ओवर इंडिया ही आता है लगभग। अभिजीत, एक चीज देखने में आई है कि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो कौन सी नई टेक्नोलॉजी आप अपना रहे हैं और मार्केट में अभी क्या ज्यादा चल रहा है? मार्केट में तो सबसे ज़्यादा वाइटनिंग ही है और बाकी लेजर्स ट्रीटमेंट है, लेज़र सारे तरह के आते हैं, परमानेंट हेयर रिमूवल होने लग गए हैं, वाइटनिंग ट्रीटमेंट है, मेलाज्मा का ट्रीटमेंट है, झाइयों का, झुर्रियों का, बोटॉक्स एंड फिलर्स में बहुत सारी चीज़ें, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स हैं ये, तो लोग करवाते हैं आजकल। अभिजीत, अगर बाल उड़ गए हैं, लोगों की पहली चाह, पहला प्यार अपने शरीर में अगर किसी चीज से होता है तो वो बाल होते हैं, उनके तो लिए क्या? बालों के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट है, जैसे शुरुआती स्टेज में अगर आप दिखाते हैं और सही डॉक्टर के पास जाते हैं तो PRP ट्रीटमेंट होते हैं, या फिर मेडिसिन से भी ठीक हो जाते हैं, या फिर उसके बाद अगर एग्रेसिवली बहुत ज़्यादा झड़ चुके हैं या पूरी तरीके से स्कैल्प खाली हो चुका है तो हम हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाते हैं। नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स में आपके लिए विग है एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जो टेम्परेरी होता है, नॉन सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसके बाद आपके बाल बाहर जाते हैं, तो कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है इससे। अभिजीत, अभी जो जनरेशन चेंज हो रही है तो उसमें आप पॉल्यूशन को, ग्लोबल वार्मिंग को या फिर हार्मोन्स की प्रॉब्लम को, इन सब का क्या चीज़ें रहती हैं जिसकी वजह से एक पेशेंट आपके पास आता है और आप उनको एक सही ट्रीटमेंट दे पाते हैं, ये कैसे जान पाते हैं? बहुत ज़्यादा हमारे आज के जीवन शैली जो ख़राब हो रही है उसका हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, जैसे कि हमारा फास्ट फूड, जंक फूड खाना, फिर उसके बाद हार्मोनल चेंजेस होना, कोई भी मेडिसिन कभी भी उठा के खा लेना, अपने खुद से यूट्यूब से अपना देख के और उस चीज़ों को इस्तेमाल करना जीवन शैली में लाना, या फिर धूल पोल्यूशन में ज़्यादा जाना, तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा हमारे जीवन शैली में फ़र्क पड़ा है, जो कि नुकसान हो रहा है। एंटी एजिंग लोग पहले हो रहे हैं, दाढ़ी के बाल पक रहे हैं, लोगों के बाल पकने चालू हो गए हैं, लोग 30 साल के हैं पर वो 60 साल के कंपैरिजन में आ चुके हैं, पोल्यूशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट, मतलब ग्लोबल वार्मिंग आ चुकी है अपने जीवन में आपके पास युवाओं के साथ साथ बुजुर्ग भी आते बहुत हैं, बुजुर्गों की चाह बढ़ रही है बहुत ज़्यादा यंगस्टर से ज़्यादा है। यंगस्टर से ज्यादा अब सब अपने बुजुर्ग आप को एक लेवल में एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, लोगों के पास पैसा भी है, सबके पास टाइम भी है, पहले नॉलेज नहीं था, चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, अब मार्केट में उतनी ज़्यादा आसानी से अवेलेबल हैं और लोग उस चीज़ की तरह मतलब ओपन हो रहे हैं पूरी तरीके से। बुजुर्ग किस तरीके की समस्या लेके आपके पास आते हैं? एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स ही होते हैं, उनके रिंकल्स, फाइन लाइन्स, यही सब हैं, और विग हेयर, तो बोटॉक्स फिलर्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं। आपको लगता है कि जो अभी जनरेशन आ रही है या जो बुजुर्ग हैं वो ज्यादा अलर्ट हो रहे हैं इन सब चीजों की तरफ से, तो ऐसे में आपके पास हर बार एक नई डिमांड होती होगी, वो कैसे फुलफिल करते हैं? उस फिलफिल को कर पाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इंसान की चाहत बहुत चाहत हमेशा हर बार बढ़ती ही जाती है, पर जितने ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हैं, जो अच्छे हैं, जिनका साइड इफेक्ट नहीं होता, हम सिर्फ उन्हीं ट्रीटमेंट्स को अपनाते हैं। अगर कोई अननेसेसरी बियॉन्ड द लिमिट जाके कोई ट्रीटमेंट कराना चाहता है, हम उसके लिए बिल्कुल सजेशन मतलब नहीं देते, क्योंकि जो चीज़ नुकसानदायक होती है उसका नुकसान होता ही है। अभी अभिजीत, सर्जरी का ज़माना है, जी ठीक है, हम फिल्म में देखते हैं हीरोइंस का, कभी उनके होंठ मोटे हो जाते हैं, कभी छोटे हो जाते हैं, कभी उनकी नाक शार्प दिखाई देने लगती है, तो ये सर्जरी का माहौल मुंबई से जो आया है, भोपाल में भी ये चीज़ें डिमांड बढ़ रही हैं? भोपाल में है अवेलेबल, हमारे यहाँ जैसे लिप फिलर्स किए जाते हैं,
एलर्गन के फिलर्स आते हैं वो लिप्स में डालते हैं, तो लिप्स जैसे मतलब उनको साइज़ बढ़ाया जा सकता है, जैसे शेप में नहीं है उनको शेपअप किया जा सकता है, या फिर जैसे नोज़ है उसको राइनोप्लास्टी के थ्रू फिलर से मतलब नॉन सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं उससे नोज़ को मतलब शेपअप किया जाता है। और बाकी हमारे पास बहुत सारे प्लास्टिक सर्जन्स हैं जो मुंबई से आते हैं और यहाँ भोपाल में प्रोसीजर्स अटेंड करके जाते हैं, तो अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े फिर बताइए। ये कितना नेचुरल रहता है और प्योर क्या इसके नेचुरल है, साइड इफेक्ट होते हैं? कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सेफ़ है सब कुछ, बस करने वाले के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि आप करा किससे रहे हैं या करने वाला एक्सपर्टीज़ कितनी ज़्यादा है, एक्सपर्ट्स इसके के बाद ऊपर कुछ है, एक्स्ट्रा केयर्स लगती हैं? कुछ नहीं। सबके अपनी अपनी डाउन टाइम होता है और अपना अपना एक मतलब एक अप टाइम होता है, उसके बाद सब सही हो जाता है। ज़्यादा कराना नहीं चाहिए वैसे मेरे ख्याल से सर्जरीज़ के लिए। अभी अगर अपन हेयर्स पे बात करें तो आजकल हेयर ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा आ गए हैं। जिसके कर्ली हेयर्स हैं उनको स्ट्रेट चाहिए, जिनके स्ट्रेट हैं उनको कर्ली चाहिए, और ये सब उनको परमानेंट चाहिए होता है। क्या वाकई में परमानेंट सॉल्यूशन होता है? नहीं हो सकता, जो जिसका नीग्रोज हैं अगर उनके कर्ली हेयर्स हैं तो वो कर्ली ही होते हैं, जिनके स्ट्रेट हेयर्स होंगे उनके स्ट्रेट ही होंगे, इस सब के लिए आपको पार्लर से जाना पड़ेगा। अभिजीत से बाकी और समस्याओं पर भी हम आगे चर्चा जारी रखेंगे। तब वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए दखल न्यूज़। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़। अपन जिस पे बात कर सकते हैं, आप देख रहे हैं दखल न्यूज़। आप देख रहे हैं दखल या न्यूज़। फिर जब टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं उसका कैसे देखना? आप देख रहे हैं दखल न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अभिजीत हमारे साथ हैं। अभिजीत से हम जानेंगे कि अगर दांतों में एकदम से ठंडा गरम लगे, विज्ञापन तो आप देखते ही हैं, तो हम अभिजीत से जानते हैं अगर दांतों में एकदम से ठंडा गरम लगने लगता है तो क्या करना चाहिए? दांतों में ठंडा गरम लगने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, जिसमें जैसे एब्रेजन एट्रीजन या बहुत तेज़ी से ब्रश करने के कारण जब दांत घिस जाते हैं, या फिर हम कोई ऐसे मतलब दांतों को बहुत बुरी तरीके से अगर क्षति पहुंचा चुके हों या दांत टूट चुका हो तो ठंडा गरम लगने का रीज़न होता है, या कोई अगर एक्सपोज हो चुका हो पूरी तरीके से दांत, या रूट कैनाल की स्थिति में पहुंच चुका हो तो ठंडा गर्म की स्थिति होती है, तो आप उसको नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके या कहीं भी डेंटिस्ट को जाके दिखाइए और उसको प्रॉपर तरीके से इलाज कराइए। जिस समस्या का निदान हो सकता है सिर्फ मसाला भरने से, उसका निदान आप रूट कैनाल या कोई और एग्रेसिव जैसे कि दांत निकालना पड़ता है उन चीज़ों में ना ले जाएं, क्योंकि इससे खर्चे भी बढ़ते हैं, आपका दांत भी जाता है और आपके एक मुस्कुरा मतलब सुंदरता में और मुस्कुराहट में कमी आती है। अभिजीत, कई बार देखने में आया है कि टेढ़े मेढ़े दांत हैं और उन दांतों को पेशेंट आपका बिल्कुल सीधा और एक बराबर चाहता है, तो उसके लिए आप क्या ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं? उसके लिए सजेशन ये है कि 14 साल से ऊपर की उम्र में, 13 से 14 साल 15 साल, जब पूरे परमानेंट टूथ आ चुके हों उसके बाद आपका इलाज शुरू होता है, तो जब जाके एक नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें और उसका इलाज कराएं, ऑर्थो ट्रीटमेंट जिसे कहते हैं जो बहुत प्रचलन में है, जैसे टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं वो समय दर मतलब साल 2 साल में दांत बिल्कुल एक लेवल पे आ जाते हैं और बराबर हो जाते हैं, मुस्कुराहट अच्छी हो जाती है उनकी, स्माइल। अभिजीत, पहले क्या जमाने में देखने में आया है कि दांत बड़े हैं इसलिए शादी नहीं हो रही है, और दांत बड़े होना लड़कियों को अपने ऊपर श्राप जैसा लगता था। अब वो बड़ा आसान हो गया है दांत को अंदर करने के लिए। ये क्या करते हैं आप जादू? अब उसके लिए डॉक्टर अभिजीत आपके पास हैं, हमने जो किया है स्माइलिंग मतलब अब दांत जो बड़े हैं वो छोटे हो जाते हैं, उनकी लेंथ भी कम हो जाती है, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज हो जाता है, दांतों में स्पेस है वो पूरी तरीके से भर जाता है, जो पहले बोलते थे कि बीच में अगर दांतों में स्पेस है वो बहुत शुभ होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं,
वो उन सब का निदान आ चुका है। आपके टेढ़े मतलब दांत नहीं है अगर सामने, तो उसको टेम्परेरी दांत भी लगा जा सकते हैं और एक परमानेंट दांत भी आते हैं। इम्प्लांट भी आ चुका है जो सिर्फ एक दांत मतलब हड्डी में स्क्रू डाल के अपने दांत लगा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, डेंटिस्ट्री बहुत आगे ऊपर अपलिफ्ट हो चुकी है। अभी पूरी तरीके से दांत सड़ जाता है, खराब हो जाता है, और पहले रूट कैनाल जो एक आपका ट्रीटमेंट हुआ करता था उसमें बेहद पेन हुआ करता था, जिसके कारण लोग सोचते थे निकाल के उखाड़ के फेंक दीजिए। तो अब पेशेंट के लिए क्या नया ट्रीटमेंट है, क्या आप करते हो जो विदाउट पेन पेशेंट उस दांत को बचा पाए? रूट कैनाल पेनलेस नहीं होता, पेनफुल नहीं होता है, उसे पेनलेस बनाया जा चुका है। जैसे इंजेक्शंस लगाए जाते हैं तो उसको इंजेक्शन के थ्रू ख़त्म किया जा सकता है। हाँ, कुछ कंडीशंस में होता है, जैसे एग्रेसिव होता है अगर पेन, तो उसको कम करने के लिए इलाज होते हैं। और दांत निकालना एक समस्या नहीं होती, जब दांत पूरी तरीके से सड़ जाता है तो उसको डॉक्टर ही डिसाइड करता है कि ये निकालने लायक है या नहीं है। पर लोग अपनी ही जिद के कारण अड़े रहते हैं और वो इलाज ही नहीं कराना चाहते हैं। रूट कैनाल एक बहुत सस्ता, सुंदर और इजी तरीका है दांत बचाने का, जो अपनाना चाहिए। उसके बाद कैप लगवाना चाहिए और प्रॉपर तरीके से खाना चाहिए। दांत निकालना एक निराकरण नहीं होता। अभी ये कैप भी अलग अलग तरीके की डॉक्टर सजेस्ट जी, करते हैं, वो कितने तरीके की होती हैं? मेटल कैप आती है, सेरेमिक कहती है, हाफ PFM आता है, सेरेमिक जिरकोनिया में आते हैं, बहुत सारे अलग अलग लेवल पे आ चुके हैं। बहुत महंगे दांत भी आते हैं, सस्ते भी आते हैं, बजट में भी काम होते हैं बहुत सारे। डॉक्टर मैं एक चीज और ये जानना चाहूंगी कि बिल्कुल लोगों के दिमाग में ये चलता है कि दांतों का काम बेहद महंगा होता है, डॉक्टर दांतों के बहुत महंगे होते हैं, ये कैसी भ्रांति है? वाकई में क्या दांतों का ट्रीटमेंट महंगा है? ये लोगों की लापरवाही उस चीज़ को महंगा बनाती है। जैसे हमें टालते रहने की आदत, मैं आज अगर किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं, कुछ खाना फंसता है, हम टूथपिक का इस्तेमाल करते हैं, ना कि हम उसे जाके मसाला भरवाते हैं। हम गाड़ी की ख़राब हो जाती है उसकी सर्विसिंग ज़रूर कराते हैं, पर अपने दांतों के, अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान नहीं देते, टालते रहते हैं। ये टालने की आदत ही आपकी खर्च बढ़ाती है। जैसे हम मसाला भरवाते हैं, 200, 250, 300 रुपये में भरा जा सकता है नॉर्मल एक लेवल पे। जो चीज़ आगे बढ़ेगी, एग्रेसिव होगी, रूट कैनाल जाएंगे, 1500 से 2000, 2500, 3000 तक जा सकता है। फिर उसके बाद उसमें कैप लगाना, फिर अगर दांत निकलवाना तो फिर 3 दांत का लगवाना, फिर वो चीज़ें बढ़ाता जाना, आपकी लापरवाही उसको बढ़ाती है। हाँ डॉक्टर डेंटिस्ट बहुत अभिजीत, सस्ता बिल्कुल होता बिल्कुल, है। आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि हम लापरवाही करते हैं जिसकी वजह से हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं, हम अपनी गाड़ी पर पूरा ध्यान रखते हैं कि उसकी सर्विस की डेट ना निकल जाए, गाड़ी में कोई खराबी ना आ जाए, और अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते, उस चीज़ को आगे बढ़ाते जाते हैं। अभिजीत, पेशेंट अब छोटे छोटे से बच्चे भी होते हैं, कई बार देखने में आया कि माओं को डायबिटीज़ है तो बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके दांत सड़े हुए आते हैं, तो उनको शुरुआती तौर पे क्या ट्रीटमेंट आप लोगों की तरफ से दिया जाता है कि बच्चों में वो समस्या आगे ना बढ़े? कंडीशन डिपेंडेंट होती हैं। पहले पहले हम उनकी पैथोलॉजिकल कंडीशन देखते हैं, उनका प्रोग्नोसिस डायग्नोसिस बनाते हैं, उसके बाद फिर डिपेंड करते हैं उसका ट्रीटमेंट करना एक सही रहेगा। मतलब हम इस लेवल पे बीमारियों को पहले से कोई भी प्रोटोकॉल नहीं बना सकते कि ये ऐसा ही चलेगा। डेंटिस्ट्री एक सिंपल है जो कंडीशन डिपेंडेंट होती है। कंडीशन है, बचाया जा सकता है तो बचेगा, निकाला जा सकता है तो निकलेगा, रूट कैनाल हो सकता है तो रुकलेगा, लगेगा, ऐसे ही होता है। छोटे बच्चों को क्या सजेस्ट करेंगे कि वो अपने दांतों की दोनों केयर टाइम कैसे ब्रश करें? करें, दोनों टाइम ब्रश करें, सुबह माँ कराए तो शाम को बच्चे को खुद से करने के लिए सलाह दें। अच्छी तरीके से प्रॉपर देखें कि प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक्स क्या होती हैं। लोग दांतों को अननेसेसरी बहुत ज़्यादा प्रेशर में आके, टेंशन में आके, रात भर सोते नहीं हैं, सुबह उठते हैं, जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में ब्रश करते हैं और दांतों को घिस डालते हैं। एक सस्ता ब्रश लेने के लिए 6-6 महीने तक इस्तेमाल करते हैं, साल भर इस्तेमाल करते हैं, उसको चेंज नहीं करते। ये सबसे गंदी आदत है अपना एक चीज समाज अभिजीत, में। ये लोगों में अवेयरनेस कम है, एक ब्रश बिल्कुल खरीदते हैं जैसा कि आपने बताया, उसको सालों चलाते हैं, है ना, बाकी चीजें तो बदल लिया करते हैं जल्दी, अपने कपड़े बहुत जल्दी बदलते हैं, लेकिन ब्रश को सालों चलाते हैं, ब्रश की एक लाइफ टाइम क्या होती है? ब्रश को हर 3 महीने में चेंज करना चाहिए। और ब्रश क्वालिटी वाइज भी आते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, उनको इस्तेमाल करना चाहिए और हर 3 महीने 4 महीने में चेंज करना चाहिए। बिल्कुल अपन ने बच्चों की बात तो की, बच्चों का तो समय हाथ में है, वो अपने आप को सुधार लेंगे और सही परिणाम पाएंगे, लेकिन जिनके हाथ से समय निकल चुका है, जो बच्चे भी नहीं हैं और बुजुर्ग भी नहीं हुए हैं, लेकिन दांतों की हालत बहुत खराब है, उनको क्या सजेस्ट करेंगे? उसके लिए उनको कहता हूँ कि वो मेरे पास आएं और अपना इलाज करवाएं। तो उनको मैं सही ये सलाह, सबसे अच्छा सही सॉल्यूशन है सबसे कि अच्छा सोल्यूशन अभिजीत के पास जाएं और इनसे सलाह लें, इनसे इलाज कराएं। अभिजीत, दखल न्यूज़ पे आपका एक कार्यक्रम जो शुरू हो रहा है, जी। दखल डॉक्टर दखल, उसमें आप हमारे जो दर्शक हैं उनको किस तरीके की बीमारियों के इलाज के बारे में बताएंगे?
मैं उनको सही सलाह दे सकूंगा, एक सही गाइडेंस देने की मतलब एक कोशिश की तरफ अग्रसर रहूंगा, और उनको एक स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और एक मुस्कुराता भारत देने की कोशिश करूंगा। जो चीज़ वो नहीं जानते, जिस चीज़ को इग्नोर करते जा रहे हैं अपनी लाइफस्टाइल में, जो चीज़ों की कमी के कारण वो अपने आगे जाके एग्रेसिव बीमारियों के कारण जूझते हैं, उन चीज़ों को मैं सही सलाह दे सकूंगा और उम्मीद करूंगा कि वो उस चीज़ को फॉलो करें और अपने जीवन अपनी शैली किस में किस लाएं। समस्या के लिए दर्शक आपसे बात कर सकते हेयर, हैं? बाल, स्किन और परमानेंट हेयर रिमूवल, बहुत सारी चीज़ें हैं, मोल्स के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं आप। क्या आप उनको घरेलू उपाय भी घरेलू सजेस्ट उपाय भी करेंगे जी। या सिर्फ अपने को क्लीनिक नहीं आने नहीं के सजेशन नहीं नहीं देंगे? घरेलू उपाय भी देंगे, सब कुछ देंगे। अगर आपसे हमारे दर्शक फोन पर जुड़ना चाहें या SMS करें, या कभी होता है कि हमारे प्रोग्राम में हमारे दर्शक अगर नहीं उस वक्त जुड़ पाए, तो आपसे कैसे कांटेक्ट कर वो सकते हैं? हेल्पलाइन नंबर रहेंगे हमारे पास, हम उन्हें अवेलेबल करा देंगे। अभिजीत, ये तो हमने अपने दर्शकों के लिए बात की, आपको क्या लगता है कि आपके दर्शकों में क्या अवेयरनेस होनी चाहिए, किस तरीके से वो आपको समझें, आपको जानें? उनके जो कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं कि नहीं ओपनली डिस्कस कर पाते हैं, उसके लिए क्या करें? उसके लिए मेरे लिए मेरे पास मेल, SMS कर सकते हैं, मैं अपना मेल और SMS व्हाट्सएप नंबर अपना अवेलेबल करा दूंगा, जिससे वो मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट जुड़ के अपने बारे में बातें कर सकते हैं। कुछ अगर ऐसी प्राइवेसी वाली बातें हैं तो मुझे आराम से आके दिखा सकते हैं, बातें कर सकते हैं, तो उनके लिए जानकारी देता रहूँगा। अभी आपने एक चीज बताई थी, स्वस्थ भारत, स्वस्थ भारत और मुस्कुराता भारत। स्वच्छ भारत, मुस्कुराता भारत के पीछे आपकी क्या डेफिनेशन है? मैं डेंटिस्ट हूँ तो हमेशा मुस्कुराहट की बात करता हूँ, और लोग जो आधे से ज़्यादा टेंशन में रहते हैं क्योंकि उनके दांत अच्छे नहीं रहते, या वो अपनी लंबी लंबी मूछें बढ़ाकर और उसको छुपाते रहते हैं दांतों के पीछे, ये चीज़ें मैं उनको संभालता रहूँगा। आज के जो यंग लड़के हैं, देखने में आया बड़ा स्टाइलिश शेव रखते हैं, बड़ा स्टाइलिश हेयर स्टाइल रखते हैं, थैंक यू। और बहुत सारे बिल्कुल आपके लिए कह सकते हैं, लेकिन बहुत सारे कलर्स यूज करते हैं, वो नुकसान पहुंचाते होंगे बिल्कुल, लोगों को? डेफिनेटली किसी भी चीज़ को कम उम्र में सही समय पे ना इस्तेमाल करना, वो नुकसान कहीं ना कहीं पहुंचाता है। और जितने भी पार्लर ट्रीटमेंट हैं या फिर ये जो हेयर कलरिंग करते हैं, उनको कम इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि एक बार इस्तेमाल करने के बाद जो नेचुरल अगर बाल ख़राब हुए तो फिर वो दोबारा उस कलर में नहीं आ सकते। तो आप अननेसेसरी जो 40 के बाद इस्तेमाल करना चाहिए, वो आप 25-30 से इस्तेमाल करते हैं और दांतों को, बालों को ख़राब कर देते हैं। अभिजीत, चलते चलते एक चीज़ और जानना जी बिल्कुल, चाहूँगी कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है और हम महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स यूज़ करते हैं, बहुत सारी वैरायटी के क्रीम और कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, उसके बाद भी क्या अब नेचुरल प्रोसेस से हम अपनी स्किन को ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल गुंजाइश है? बिल्कुल गुंजाइश है। एक समय पे सोना, दूसरा समय पे उठना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, दो चीज़ें हैं जो आपके जीवन शैली को बदल देगी, एंटी एजिंग में ला देगी। सुबह टहलना, जिमिंग करना और एक्सरसाइज करना, ये सारे पांच चीज़ें, अपने खान पान में संयम रखना, दूसरा बाहर की चीज़ें, तले भुने पदार्थ खाना बंद कर देना, ये जो पुराने ज़माने में होता था वो जीवन शैली अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हम स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और मुस्कुराते रहेंगे। और अगर हमने उस जीवन शैली को छोड़कर 3 बजे रात में सोना, सुबह 10-11 बजे तक सोना और फिर उसके बाद मोबाइल चलाना पूरी रात, तो डार्क सर्कल और इन सब की समस्याएं बढ़ती रहेंगी, बाल भी झड़ेंगे और सब कुछ होगा। आपकी बहुत सारी समस्याओं का निदान मुझे लगता है कि आज अभिजीत से हमको मिला है। डॉक्टर अभिजीत हमारे साथ हर शनिवार, हर शुक्रवार रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम पर यही विराम लगाते हैं। डॉक्टर अभिजीत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे दर्शकों को बहुत सारी समस्याओं के बारे में तो बताया ही, और आगे उम्मीद करते हैं कि हर शुक्रवार और शनिवार डॉक्टर अभिजीत आपकी हर समस्या का निराकरण करेंगे। थैंक यू सो मच। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।